वर्ल्ड वीडियो में आप सबका स्वागत है। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और हाँ, क्लिक कर दीजिए बेल पर सो दैट आपको न्यू इन्फॉर्मेशंस मिलते रहें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। अमेज़न लोक ज्ञान अनूठे भाषाओं और उनकी अपनी सांस्कृतिक पहचान से भरे हुए हैं। अमेज़न में अंतर्ग्रथित जनजातियां हैं जिनमें से ज्यादातर पिछले 200 सालों में मर चुके हैं, लेकिन अमेज़न शहरी इलाकों जैसे कि इक्यूतिस पुएर्टो मैल्डोनाडो और मेनोस नदी के लोगों और शहर के निवासियों में भी मृत्यु हो गई है। यहां मैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट में कुछ लोगों से संबंधित लोगों का उल्लेख करूंगी, जिसमें योनमी ब्राजील, वेनेजुएला, यगुआ पेरू कोलंबिया, हुआरानी इक्वाडोर और पेरू अमेज़न के रिबेरेनस शामिल हैं। वे पौधों और जानवरों को नुकसान पहुंचाए बिना भूमि का उपयोग करते हैं, जो वर्षावन को अपने घर कहते हैं। एक बुद्धिमान स्वदेशी आदमी के रूप में एक बार कहा था, पृथ्वी हमारे इतिहासकार, हमारे शिक्षक, भोजन प्रदाता, दव कपड़े और सुरक्षा है। वह हमारी दौड़ की माँ है। उनके भोजन, दवाएं और कपड़े मुख्य रूप से जंगल से आते हैं। अधिकांश आदिवासी बच्चे हमारे जैसे स्कूलों में नहीं जाते हैं। इसके बजाय वे अपने माता पिता और उनके समुदाय में अन्य लोगों के जंगल से सीखते हैं। उन्हें सिखाया जाता है कि जंगल में कैसे बचे। वे सीखते हैं कि कैसे शिकार और मछली और कौन से पौधों दवाओं या भोजन के रूप में उपयोगी हैं। इनमें से कुछ बच्चों को वर्षावनों रेन फॉरेस्ट के बारे में अधिक जानकारी है, जिन्होंने कई वर्षों से वर्षावन का अध्ययन किया है। शिकार के अलावा जंगली फलों और नट्स और मछली पकड़ने को इकट्ठा करना। स्वदेशी लोगों इंडिजेंस पीपल ने खेती को बदलते हुए एक स्थायी कृषि पद्धति का उपयोग करते हुए भोजन के अन्य स्रोतों के लिए छोटे बागानों का भी उपयोग किया। सबसे पहले वे पहली बार जमीन के एक छोटे से क्षेत्र को साफ करते हैं और इसे जलाते हैं। फिर वे कई प्रकार के पौधे लगाते हैं जिनका उपयोग भोजन और दवाओं के लिए किया जाता है। योनमी संभवतः सबसे प्रसिद्ध अमेज़न जनजातीय समूह हैं, क्योंकि उनके प्रचारित खनिकों के खिलाफ निरंतर दुर्बलता और मानव अधिकारों और पर्यावरण संरक्षण के लिए उनके विरोध प्रदर्शन। वे छोटे पैमाने पर कृषि, मछली पकड़ने और शिकार से दूर रहते हैं। केवल अपने भोजन का लगभग 10% शिकार करता है। वे समझते हैं कि उन्हें अपने अधिकारों और संस्कृति का संचार करना चाहिए। ऐसा करने के लिए योनमी को एक नई पीढ़ी को पढ़ना, लिखना और गणित सिखाने के लिए शिक्षा कार्यक्रम है। यगुआ ने दुनिया को रबर और प्लास्टिक के लिए पेश किया था। वे छोटे पैमाने पर कृषि, मछली पकड़ने और शिकार पर भरोसा करते हैं। हुआरानी संस्कृति के बारे में सुनेंगे आप। उनके जंगल घर के आसपास हैं। वे एक अनुकूल लोग हैं जो वर्षावन और उनके इतिहास के बारे में ज्ञान के अपने धन साझा करने के लिए उत्सुक हैं।